मौसम खुशगवार होने से रोजेदारों को राहत मिली है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। गुजरांवाला, गुजरात, पसरूर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। गर्मी का जोर टूटने से शहरी भी मौसम का लुत्फ लेते रहे। लाहौर में अचानक ऐसी तूफानी बारिश आई कि जल थल एक कर दिया। बारिश के साथ तेज हवाओं ने मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। मनचले सड़कों पर निकल आए और बारिश में नहाते रहे। इस्लामाबाद में दिन भर की गर्मी के बाद शाम में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरी इफ्तारी के बाद घरों से बाहर निकल आए। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी हजारा, मालाकंठ, पेशावर, बन्नू कोहाट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन, फाटा, इस्लामाबाद और कश्मीर में कई मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुख्तलिफ शहरों से बारिश का हाल जानेंगे। हमारे साथ बिलाल विर्क मौजूद हैं, जुड़वां शहरों का हाल बताएंगे। उस्मान में लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे और कराची से खजर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल विर्क, पहले तो हम लाहौर में बैठे हुए लोग जल भुन रहे थे कि इस्लामाबाद में बादल बरस रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में हिसाब बराबर हो गया। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद का भी मौसम खुशगवार हो गया। कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था और आज शाम की बारिश से जो है मौसम खुशगवार हो गया है। लेकिन तारिक, मौसम तो खुशगवार हो गया लेकिन कई इस्लामाबाद के कई इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूब गए, वहाँ पर बिजली जो है गायब होगी और शहरियों का कहना है कि ये मामूल की बात बन गई है कि जैसे ही बारिश होती है, मौसम खुशगवार होता है तो बिजली गायब हो जाती है। ये खास तौर पे तारिक जो है इस्लामाबाद के नवाही इलाके जो हैं, खास तौर पे उधर जो है ये मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है कि वहाँ पे बिजली जो है चली जाती है। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर जो हैं वहाँ पे इस तरह की कोई शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। शहरियों ने इस चीज़ का भी एहतजाज किया कि जैसे ही बिजली जाती है तो वहाँ के इलाके के जो वापडा के हुकाम हैं, SDO, XCN है, वो उनके जो है नंबर पावर्ड ऑफ हो जाते हैं। जी बिलाल, यानी बारिश मजा दे रही है तो बिजली मजा किरकिरा कर रही है। उस्मान इलियास से लाहौर का जानते हैं। उस्मान इलियास, जिंदा दिलों की जिंदा दिली बढ़ गई है इस तूफानी बारिश के बाद, क्या बिजली यहां भी मजा खराब कर रही है? जी बिल्कुल, मैं लाहौर में इस वक्त मौजूद हूँ और जो यहाँ का मौसम है बहुत ही दिल फरेब हो गया है। लोगों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे हैं और जो तेज़ बारिश से जो मौसम ने अंगड़ाई ली है और दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है, तो ये लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और जहाँ तक तारीख आपने बात की बिजली की, तो बिजली जाहिर बात है तेज़ हवा चलने से या कुछ करने से, तारों को टकराने से मुख्तलिफ जगहों पर जो है मज़ा तो ज़रूर किरकिरा कर रही है, लेकिन जो मौसम है ठंडा है, हवा चल रही है, तो लेकिन उसने जो लोगों का है दिल बहला लिया है, के खुशी जो चेहरे हैं खुशी से खिल उठे हैं, इसलिए वो मौसम को खूब तरह एंजॉय कर रहे हैं। और जो माहे सयाम के दूसरे अशरे में जो मौसम ने अंगड़ाई ली है और मौसम ठंडा होता जा रहा है, इससे जो रोज़ेदार हैं उनके रोज़े भी बड़े अच्छे जा रहे हैं, इसलिए वो सहरी और अफ्तारी के औकात में बाहर अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय करने के लिए इसको प्रेफर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जो है मौसम के हवाले से मैं और मज़ीद बताता चलूँगा, जो आइंदा एक दो दिन भी हैं उसमें भी जो मौसम का महकमा मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है कि मौसम काफ़ी अच्छा होगा, बादल रहेंगे और शहरी काफ़ी अच्छे तरीके से ये रोज़े ठंडे तरीके से। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। उस्मान इलियास, आप लाहौर का हाल बता रहे हैं, कराची का रुख करते हैं। खजर आजम, अब तो आप लोगों के पास भी मुस्कुराने की वजह है, बारिश कराची में भी हुई है, हल्की फुल्की हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। जी तारिक, मगर जिस तरह से आपने कहा कि लाहौर में हिसाब बराबर हो गया है तो कराची में उस तरह से हिसाब बराबर नहीं हुआ है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और फिर उसको मज़ीद जो है वो जब समुंदर की तेज़ हवाएं चली तो शहरियों के लिए वो सुकून का बायत बनी। इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि दर्जा हरारत नीचे आ गया है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद समुंदर की जानिब से तेज़ हवाएँ जो चली हैं वो लोगों को के लिए तशनगी का बायत बन रही हैं। तो शहर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब जैसी सूरत हाल तो नहीं है, मगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने चले थोड़े को बहुत जाने, मुस्कुराएं, खुश हों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंजॉय कीजिए इस मौसम को। आप भी खजर आजम, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और बात